हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज अनुराधा और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है थंबनेल से कि हम एक पुराने टॉप का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं एक न्यू टॉप में। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ करना हो अपने टॉप के साथ तो आपको पूरी वीडियो तो देखनी पड़ेगी। एक्चुअली इस टॉप का फैब्रिक बहुत अच्छा था, इसलिए एक जगह से फटने के बाद भी मैंने इसको रखा था ताकि मुझे पता था कि कभी ना कभी मैं इसको कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी, तो मैंने इसलिए इसको रखा था। और आज वो दिन आ गया इसका बनने का। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसा हो, मतलब कोई टॉप हो या फिर कोई फैब्रिक हो जो बहुत अच्छा फैब्रिक हो और आपका बनाने का मन हो तो आप बना सकते। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अपकमिंग वीडियो बहुत अच्छी अच्छी आने वाली है इस चैनल पर। लेकिन स्टार्ट करते हैं। जितने भी सारे हमारे थ्रेड्स हैं, मतलब हमारा काम है कि इसके हर एक फैब्रिक को यूज करना, एकदम छोटे छोटे फैब्रिक को भी यूटिलाइज करना है। तो हम इसको इसके जितने भी स्टिचेस हैं जो खुल सकते हैं उसको खोल लेंगे, जिसके यहाँ पर डार्ट थे बस्ट एरिया पर, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा साइड सीम है उसमें ओवरलॉक भी है और देन उसको थोड़ा सा छोड़ करके स्टिच है, जिसे हम स्टिच निकाल देंगे और ओवरलॉक वाला कट कर देंगे क्योंकि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था वो। तो हम इसको एकदम बिल्कुल फ्लैट फैब्रिक की तरह अपना निकाल लेंगे फैब्रिक, जिससे हम पैटर्न क्रिएट कर सकें, काट सकें कुछ जो भी हमें टॉप बनाना हो। तो ये प्रॉपर एकदम निकल गया, ये मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, यहाँ पर फटा हुआ था थोड़ा सा। तो ये बेसिक पैटर्न है, आप अपने टैंक टॉप से भी क्रिएट कर सकते हो या फिर कोई भी टॉप जो आपको अच्छा लगता है उससे आप ट्रेस कर सकते हो, आपके पास उतना फैब्रिक हो तो। मेरे पास इतना ही टॉप से बनाना था तो मेरे पास इतना ही फैब्रिक था कि इसमें से ये ऐसा टॉप निकल सकता था, तो मैंने ऐसा टॉप बनाया। इसे हम लोग कट कर लेंगे पूरा अच्छे से। कट करने के बाद जो भी इसके हर एक फैब्रिक को यूटिलाइज करने वाले हैं हम। तो ये फैब्रिक कट गया हमारा और अब हम चलते हैं स्टिचिंग पार्ट पे। तो हम सबसे पहले सीधे सीधे साइड को जोड़ेंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सीधे साइड से जोड़ करके और फिर टर्न करके इसको हम देन अगेन उसको फिनिश करेंगे। तो इससे जो अंदर वाली जो फैब्रिक होती है वो भी बहुत अच्छे से फिनिश होती है। तो वैसे ही हम लोग शोल्डर पे भी सेम डिटो वैसे ही करने वाले हैं। पहले हम साइड सीम को अटैच करेंगे, देन शोल्डर को, और देन फिर टर्न करके इसको वापस से सब स्टिच कर देंगे। देखिए जैसे कि ये बहुत अच्छे से फिनिश करता है, ये इसे हम फ्रेंच सेम बोलते हैं। तो ये हम शोल्डर पे भी वैसे ही स्टिच कर रहे हैं और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है अंदर से भी, मतलब आपको कोई फैब्रिक नहीं दिखता है। ये उस फैब्रिक के लिए और इम्पोर्टेंट है जो थोड़े से थ्रेड्स उनके निकलने वाले रहते हैं, जो कट करने के बाद थ्रेड्स निकलने लगते हैं। तो ये हम अपना बॉटम लाइन को है, एक बॉटम लाइन को स्टिच कर रहे हैं, जो भी हमारा हेमलाइन है उसको फिनिश कर रहे हैं। हाँ, इसको थोड़ा फिनिश करते वक्त ध्यान ये रखना पड़ रहा है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, तो हम इसे खींच कर पुल करके नहीं, पुश कर करके इसको हम लोग को स्टिच करना होता है ताकि ये खींचे नहीं फैब्रिक। स्ट्रेचेबल फैब्रिक में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि आप छोटा छोटा सिलाई करो जितना भी छोटा छोटा पार्ट, और फैब्रिक को अंदर की तरफ मतलब सुई के पास पहुंचाओ हाथ से, तो वैसे फैब्रिक पुल नहीं होता है, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है स्ट्रेचेबल फैब्रिक में भी। तो ये हमने हेमलाइन को फिनिश कर लिया है और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कटिंग का। तो हम जितने भी हमारे जो भी फैब्रिक बचे थे उसको हम कट करके उसके
उसको जोड़ लेंगे, क्योंकि ऐसे एकदम लंबा सा तो फैब्रिक नहीं निकलने वाला, तो हम लोग उसको जोड़ कर ऐसे प्लीट्स बना लेंगे, क्योंकि हम लोग प्लीट्स को अपने आर्म होल एरिया पर और नेक लाइन पे अटैच करने वाले हैं। तो जो हमारा प्लीटेड फैब्रिक था उसको हम लोग आर्म होल पे अच्छे से उसको फिनिश करते हुए लगा लेंगे और फिर उस पर टॉप स्टिचिंग दे देंगे। यहाँ पे मैं स्टिच कर रही थी जिप, बट एक और चीज़ है कि आपको जिप स्टिच करने से पहले थोड़ा सा लूज थ्रेड से आपको उसको पहले से ही ये करना होगा, टक कर लेना होगा, ताकि क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है तो खींचता है फैब्रिक, इसीलिए आपको पहले उसको थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। देन इसको हम लोग अपना लास्ट में हमारा सबसे आएगा नेक एरिया का फिनिशिंग, क्योंकि वो जिप लगने के बाद ही होगा, क्योंकि नेक एरिया को फिनिश करना है तो जिप के बाद हम लोग इसको करेंगे। ये जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो अंदर के साइड में मुड़ने वाला, उसको कट कर लीजिए ताकि वो मोटा ना हो, तो उसको टॉप स्टिच चला लीजिए। तो ये लगभग ऑलमोस्ट हमारा फिनिश होने वाला है ये टॉप। और ये बहुत खूबसूरत दिख रहा था, लास्ट में मैंने इसको फिनिश करने के लिए आयरनिंग करा, ताकि हर चीज़ बिल्कुल अपने प्लेस पे बैठे, तो आयरनिंग बेहद ज़रूरी है। तो ये हमारा टॉप है जो कि बन के तैयार हो गया है, और ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा इसका कलर कितना प्यारा, इसके फैब्रिक बहुत अच्छे और इसकी फिनिशिंग अंदर से बहुत अच्छी। तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है और ये बहुत अच्छे से फिट आ रहा है। ऑफ कोर्स मेरे साइज का है तो फिट तो आएगा ही, तो पुराने वाले से तो ज़्यादा बेटर दिख रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।